Hey everyone, this is Maricha Pandey and welcome to College Tutor. I am here for you all to teach you all law subjects. जैसे कि आपने पिछला वीडियो अगर मेरा देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे हम इस लॉ सब्जेक्ट्स के सेशन में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका एक सब्जेक्ट माना जाता है आजकल के अगर तौर पे देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रिवेलेंट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अगर आपको इसके बारे में अच्छे से जानना है और अगर आपको एग्ज़ाम्स अपने क्लियर करने हैं तो इस सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. आपके कोई भी एग्ज़ाम्स में ये जो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इस वजह से ये सब्जेक्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पिछले वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था, हमने पिछले वीडियोस में जाना था अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के बैकग्राउंड के बारे में, है ना. इंटरनेशनल लेवल पे देखा था और अपने इंडियन लेवल पे भी देखा था. उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, उसके बाद हमने डिस्कस किया था उसके नेसेसिटी के बारे में, है ना, क्या जरूरत पड़ी कि हम एडीआर लेके आए. फिर हमने उसके बारे में पढ़ा था कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होता क्या है और उसके हमने कुछ लीगल प्रोविजन के बारे में जाना था बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में. तो आज उन लीगल प्रोविजन्स को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे और हम इस वीडियो को उसी के साथ करने वाले हैं स्टार्ट. सो लेट्स बिगिन द टुडेज लेक्चर. चलिए बढ़ते हैं आगे. आज हम जानने वाले पहले कि स्कोप क्या है एडीआर का, क्या है आगे चल के स्कोप, या फिर मतलब जो पहले जो स्कोप था वह पहले क्या था. पहले पाइलअप ऑफ द केसेस होते थे, तो पहले जब एडीआर आया, एडीआर के आने के बाद जो स्कोप है किस किस तरह बढ़ गए और क्या है एडीआर का स्कोप, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे. चलिए बढ़ते हैं आगे. तो जैसे कि हमें पता है कि एडीआर क्यों लाया गया, क्योंकि पाइलअप ऑफ द केसेस होने लगे कोर्ट्स में, बैकलॉग्स लगने लगे केसेस में, है ना, और इसकी वजह से जो कोर्ट के ऊपर बर्डन हुआ वो बहुत ही ज्यादा बर्डन होने लगा कोर्ट्स के ऊपर, तो इसीलिए हमने लाया एडीआर, है ना. अब इसका स्कोप क्या है, देखिए पिछले 3 सालों में जो हमने एक देखा कि लोक अदालत होता है, एक एडीआर का एक फॉर्म होता है, ठीक है. तो लोक अदालत में पिछले 3 सालों में हर एक साल में 50 लाख से भी ज्यादा, दैट इज मोर देन 50 लाख केसेस जो है उसे सॉल्व किए गए हैं. तो ये एक बहुत बड़ा स्कोप हमें देखने को मिला. पहले पाइलअप ऑफ द केसेस होते थे, लेकिन एडीआर के आने के बाद जो केसेस होते थे, ठीक है, जो बहुत ही छोटे छोटे केसेस होते थे, किस तरह जल्दी से जल्दी स्पीडी जो डिस्पोजल होने लगे, ये हमें देखने को मिला एडीआर के आने के बाद, है ना. लास्ट 3 ईयर्स में अगर हम देखेंगे, अगर अपना एक जो अपना वो क्या बोलते हैं, अगर डेटा देखेंगे तो उसमें 50 लाख से भी ज्यादा जो केसेस हैं वो हर साल डिस्पोज किए गए हैं, ठीक है, ऑन एन एवरेज. ये मैं आपको डेटा बता रही हूँ, ठीक. बट देयर सीम्स टू बी अ लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज फॉर्म्स, जो कि एडीआर के फॉर्म्स है, लोक अदालत, मीडिएशन, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, है ना. तो हमें पता नहीं है या फिर लोगों को भी इसके बारे में जानकारी अभी तक ज्यादा है नहीं, अवेयरनेस नहीं है लोगों में. इसीलिए जो अवेयरनेस है एडीआर का उसे फैलाना बहुत ही जरूरी है कि आप उसके स्कोप के बारे में जान सके कि किस तरह से आप एडीआर में जाके अपने जो केसेस है, जो कोर्ट की पूरी इतनी टाइट लीगल प्रोसीडिंग्स है, आप उसे मोर देन फ्लेक्सिबल मैनर में अपने जो केसेस है, डिस्प्यूट्स जो है उसे रिजोल्व करवा सकते हैं और वो भी बहुत ही जल्दी. चलिए बढ़ते हैं आगे. तो ये जैसे कि मैंने बताया मैकेनिज्म्स के बारे में, ठीक है. अब एडीआर सीक्स टू प्रोवाइड पार्टीज विथ स्पीडी, चीप एंड लेस फॉर्मलाइज रेमेडीज टू द पार्टी हु हैज बीन हार्म्ड. तो एडीआर जो होता है वो स्पीडी जस्टिस देता है, ठीक है. जो पार्टीज होती हैं, जो अग्रीव पार्टीज होती हैं, उनको स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करता है, क्योंकि कोर्ट्स में क्या होता है, आपको स्पीडी जस्टिस नहीं मिलता, सालों साल तक आपका केस जो है वो चलता ही रहता है, तारीख पे तारीख, वो जो बोलते नहीं है, वो आपको लगता रहता है, आपको कोर्ट बुलाता रहता है और बहुत साल के बाद तब जाके आपको एक जस्टिस मिलता है, जो कि जैसे बोल सकते हैं ना कि जब जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, अगर जस्टिस जब डिले हो जाता है तो उस जस्टिस का कोई मतलब ही नहीं रहता है. तो अगर आपको अपने जो केसेस है रिजोल्व करवाने हैं तो एडीआर एक बहुत ही अच्छा माध्यम है. वो आपको एक तो स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करता है और
चीप रहता है। अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो आपको क्या होगा, जजेस जो आप जब कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट की एक फीस होती है, वो भी आपको अदा करनी पड़ेगी। आप जिसे हायर करेंगे, कोई भी जो एडवोकेट होगा, उनके भी बहुत बहुत ज्यादा अमाउंट में फीस होते हैं, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। अदर एक्सपेंसेस जो आपके होंगे वो तो छोड़ ही दीजिए। तो इस वजह से चीप भी होता है एडीआर, मतलब उसमें बहुत ही बेयर मिनिमम कॉस्ट लगता है और आप आराम से अपना केस जो है वो उसे क्या कर सकते हैं, इजीली डिस्पोज कर सकते हैं। ठीक है, एडीआर का जो एम है वो क्या है, टू प्रोवाइड एन ऑप्शन दैट इज सुइटेबल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह से आप ऑप्शन एक तरह आपको प्रोवाइड करता है कि आप जो है अपने केसेस को डिस्पोज कर सकते हैं, सॉल्व रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो एडीआर है उसका स्कोप है जो अब वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, दिस इज व्हाट एडीआर मेक्स एन इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव टू मीडिएशन और कंसीलिएशन एंड आर्बिट्रेशन। ठीक है, आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए क्या होता है कि जो मीडिएशन वगैरह का जो स्कोप है वो हमें देखने को मिल रहा है, जो फॉर्म्स है एडीआर के वो धीरे 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 हमें देखने को मिल रहा है कि प्रोमिनेंट होते जा रहे हैं। ठीक है, और प्रोमिनेंट होते जा रहे हैं, इसी वजह से जो हमारे केसेस हैं वो भी कहीं ना कहीं पार्टीज के जो केसेस हैं वो भी डिस्पोज हो रहे हैं और उनको एक स्पीडी जस्टिस मिल रही है, जिसके वजह से वो भी क्या कर रहे हैं, आराम से अपने केसेस को रिजोल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या देख रहे हैं आजकल, ऑनलाइन जो एडीआर होता है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, वो भी अब आ गया है। तो ये एक बहुत ही बड़ा स्कोप है, और या फिर बोल सकते हैं ग्राम न्यायालय जो है, वो भी अब धीरे धीरे आने लगे। तो ये एक बहुत ही दो क्या है, मेजर और न्यू एडवांसेस हैं जो कि हमें एडीआर के आने के बाद देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आगे बात सुन रहे, दीज ऑल्टरनेटिव्स वुड ब्रॉडन द एडीआर स्कोप इन इंडिया। मीडिएशन इज लाइकली टू बिकम द मोस्ट इफेक्टिव इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स बिकॉज इट गारंटीज अ विन विन आउटकम। ठीक है, अब मीडिएशन जो सेंटर है, ठीक है, मीडिएशन में क्या होता है, ज्यादातर हम देखते हैं कि मैट्रिमोनियल केसेस जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं अदर केसेस कम होते हैं एज कंपेरिजन टू आपके मैट्रिमोनियल केसेस। तो मीडिएशन जो है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव आगे के जनरेशन में आने वाले जो ईयर्स है उसमें बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हमें देखने को मिलेगा। और इसके वजह से वो क्या करेगा, विन विन का जो सिचुएशन होता है, क्योंकि कोर्ट्स में क्या होता है, एक पार्टी हारती है एक पार्टी जीतती है, लेकिन मीडिएशन के केस में, आर्बिट्रेशन के केस में, कंसिलिएशन, एडीआर के ये जो फॉर्म्स है इसमें आपको कोई भी हारना या जीतने का कुछ नहीं होता है, आप दोनों ही क्या करते हैं, जीतते हैं। यहाँ पे हारना जीतना नहीं होता है, क्योंकि आप ही जब अपने केसेस को रिजॉल्व कर लेंगे आपसी सहमति में, आपके माध्यम से ही केस जो है वो निकल आएगा, उसके आपको क्या मिल जाएगा, उसके बाद अवार्ड मिल जाएगा उस चीज का। तो आपको कहाँ क्या जरूरत पड़ेगी कि आप हार जाए और जीत जाए, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता फिर, है ना। तो ये जो स्कोप हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अब धीरे धीरे क्या है वो बढ़ जाएंगे अगले आने वाले सालों में। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं लीगल रिकॉग्निशन ऑफ एडीआर। कहाँ पे हमें बताया गया है, कौन कौन से प्रोविजन है जिसके थ्रू हमें पता चलेगा, क्योंकि जो एडीआर है वो बताता है कि कहाँ होना चाहिए। ठीक है, एडीआर कैसा होगा, ठीक है, उसमें क्या क्या होगा, कैसे हमें पता चलेगा कि एडीआर आया हुआ है और उसे हम कैसे एक तरह तरीके से लीगल रिकॉग्निशन दे सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। सेक्शन 89 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सीपीसी, ठीक है, इसे कहते हैं। तो इसमें सेक्शन 89 जो है वो हमें बताता है एडीआर के बारे में। ठीक है, एडीआर जो है वो किस तरह से, किस फॉर्म्स में है, और एडीआर में हम किस किस फॉर्म्स में अपने जो केसेस है वो सेटल कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्जिनल नोट क्या कहता है सेक्शन का, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द केस, के कोर्ट के बाहर में आप किस तरह से सेटल कर सकते हैं अपने डिस्प्यूट को। ठीक है, तो चलिए सब सेक्शन 1 पढ़ते हैं। वेर इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट देयर एग्जिस्ट एलिमेंट्स ऑफ सेटलमेंट, जहां पे कोर्ट को लगता है कि कोई ऐसा छोटा सा एलिमेंट भी है इस केस में, इस मैटर में, कि उसे क्या किया जा सकता है,
कोर्ट के द्वारा नहीं बल्कि कोर्ट से बाहर अगर सेटल आउट करा जा सकता है, तो जो कोर्ट होगी वो क्या करेगी, रेफर करेगी आपके उस मैटर को कहाँ पे, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन या फिर आपके जो जुडिशियल सेटलमेंट्स होते हैं उसके अंदर। तो चलिए पहले सेक्शन पढ़ लेते हैं। वेर इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट देयर एग्जिस्ट एलिमेंट्स ऑफ अ सेटलमेंट व्हिच मे बी एक्सेप्टेबल टू द पार्टीज, द कोर्ट शैल फॉर्मुलेट द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट एंड गिव देम टू द पार्टीज फॉर देयर ऑब्जर्वेशन, एंड आफ्टर रिसीविंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ द पार्टीज द कोर्ट मे फॉर्मुलेट द टर्म्स ऑफ अ पॉसिबल सेटलमेंट एंड रेफर द सेम फॉर आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट इंक्लूडिंग द सेटलमेंट थ्रू लोक अदालत एंड और मीडिएशन। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है वो क्या कर रहा है कि मान लीजिए आप अपना केस जो है, मैटर जो है, वो कोर्ट लेके जाते हैं। ठीक है, और कोर्ट को अगर कुछ भी ऐसा उसमें मिल जाता है कि भैया ये जो मैटर है ये कोर्ट में नहीं बल्कि आउटसाइड द कोर्ट भी सेटल हो सकता है, तो जो कोर्ट है वो क्या करेगी, पहले तो वो पार्टी को बताएगी कि आपका ऐसा ऐसा है भाई, आप अपना जो मैटर है वो आउटसाइड द कोर्ट भी सेटल कर सकते हैं, तो उनका पहले एक्सेप्टेंस लेगी। ठीक है, उसके बाद फॉर्मुलेट करेगी टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट। टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट मतलब जो एग्रीमेंट होता है, ठीक है, एग्रीमेंट होता है जो उनके डिस्प्यूट का, जो कि अब बाहर में वो जाके रिजोल्व कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। ठीक है, और उसके बाद क्या करेगी, जो कोर्ट है वो पार्टीज को देगी ये सब फॉर्मुलेट करने के बाद एग्रीमेंट को, उसके बाद पार्टीज ऑब्जर्व करेंगी। ठीक है, और पार्टीज के ऑब्जर्वेशन के बाद क्या होगा, जो कोर्ट होगी वो रिफॉर्मुलेट करेगी उस एग्रीमेंट को, और उसके बाद वो रिफर कहाँ करेगी, जहां पे उसे सही लगेगा कि ये जो मैटर है यहाँ पे सेटल हो सकता है। कहाँ कहाँ सेटल हो सकते हैं, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट इंक्लूडिंग सेटलमेंट थ्रू लोक अदालत और मीडिएशन, इन सारे फॉर्म्स में, ये जो आईडीआर के फॉर्म्स है वहां पे क्या कर सकती है, वो रेफर कर सकती है केस को। आगे बात समझ में। चलिए सब सेक्शन टू पढ़ते हैं। वेयर डिस्प्यूट हैज बीन रेफर्ड ए फॉर आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन, अगर आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन के लिए अगर कोर्ट ने रेफर किया है, तो जो प्रोविजंस है आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट 1996 के, वो क्या करेंगे, उस पे अप्लाई करेंगे, उसके प्रोसीडिंग पे। आगे बात समझ में। चलिए बी पढ़ते हैं। टू द अगर वो जो कोर्ट है वो रेफर करती है लोक अदालत में, तो कोर्ट शाल रेफर द सेम टू द लोक अदालत इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। ठीक है, इसके प्रोविजन के तहत क्या होगा, जो उनके मैटर्स होंगे वो रिजॉल्व किए जाएंगे, और या फिर ऑल द प्रोविजंस ऑफ दैट एक्ट शाल अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिस्प्यूट सो रेफर टू द लोक अदालत, जो कि उन्होंने रेफर किया है लोक अदालत में, वहां के जो भी उनके प्रोविजंस होंगे उस एक्ट के, वहां पे उस मैटर पे वो अप्लाई किया जाएगा। ओके, फिर आते हैं सी पे। अगर कोर्ट ने जुडिशियल सेटलमेंट के लिए किया है रेफर, ठीक है, तो कोर्ट शाल रिफर द सेम टू अ सुइटेबल इंस्टीट्यूशन और अ पर्सन, एंड सच इंस्टीट्यूशन और पर्सन शाल बी डीम्ड टू बी अ लोक अदालत, और वो जो इंस्टीट्यूशन होगा या वहां पे जो पर्सन होगा वो लोक अदालत का होगा। ठीक है, लोक अदालत एज अ इंस्टीट्यूशन यहाँ पे क्या रेफर कर रहा है, लोक अदालत को। ठीक है, एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट शाल अप्लाई एज इफ द डिस्प्यूट वेर रिफर टू अ लोक अदालत अंडर द प्रोविजन ऑफ दैट एक्ट। वैसे ही अगर मीडिएशन के लिए करता है, कोर्ट शाल इफेक्ट अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द पार्टीज, ठीक है, एंड शाल फॉलो सच प्रोसीजर एज मे बी प्रिस्क्राइब। अगर मीडिएशन के लिए करता है तो कोर्ट क्या करेगा, कॉम्प्रोमाइज करवाएगा, ठीक है, पार्टीज के बीच में। ठीक, बढ़ते हैं आगे। ये तो हो गया हमारा क्या, हमने इसके बारे में क्लियर लीगल रिकॉग्निशन ऑफ सेक्शन 89 ऑफ द सीपीसी के बारे में पढ़ा है, कि वहां पे बताया गया है कि जो एडीआर है और एडीआर के फॉर्म से वहां पे सेटलमेंट किया जा सकता है पार्टीज के द्वारा। अब आते हैं लीगल सर्विसेज जो अथॉरिटी एक्ट है 1987 का उस पे। ठीक है, अब ये जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो एक्ट है ये बेसिकली कब आया था, ये इफेक्ट में आया था 9th नवंबर 1995 में। ठीक है,
फॉलोइंग द अमेंडमेंट ऑफ 1994, जो 1994 का अमेंडमेंट था उसके तहत ये आया था, ठीक है, विच इंट्रोड्यूसेस सेवरल अमेंडमेंट्स टू द मेन एक्ट। ठीक, इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी पर्सन जो कि इकोनॉमिकली वीक होंगे या बैकवर्ड होंगे या फिर डिजेबल होंगे, ठीक है, उन वो क्या होंगे, एलिजिबल होंगे लीगल एड के लिए, उनको लीगल एड प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अब 1971 में जस्टिस पी एन भगवती ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, किसके लिए, लीगल एड स्कीम के जैसा, ठीक है, लीगल एड स्कीम जो होता है वो ऐसा जो है उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था कि ये जो है हर पर्सन का अधिकार है कि उसे लीगल एड प्रोवाइड किया जाए। तो बेसिकली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो एक्ट है ये क्या बताता है हमें, इसका एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या है, कि ये आपको हर एक पर्सन जो है उसके पास ये राइट है कि वो लीगल एड उसको प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से इस एक्ट में बताया गया है कि हमें लीगल एड जो है वो मिलनी चाहिए, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है मालिमत कमिटी रिपोर्ट, ठीक है, एडीआर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये 20 अभी जो रीसेंट है एग्जाम्स में जो आपके आने वाले हैं या फिर जो भी आपका एग्जाम होने वाला है, सेमेस्टर भी एग्जाम्स हो गए, तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा चांसेस है आ सकते हैं, ठीक। 2000 में ये जो मालिमत कमिटी है, जब एनडीए गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी तो एक पैनल बैठाया गया था जो कि हेड किया गया था जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ केरला एंड कर्नाटका, ठीक है, उनका नाम था जस्टिस वी एस मालिमत, ठीक है, इन्हीं के नाम पे ही ये कमिटी क्या थी, बनी थी, टू सजेस्ट एन ओवरहॉल ऑफ द सेंचुरी ओल्ड क्रिमिनल जस्टिस। जो हमारे बहुत पुरानों सालों पहले जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें चेंजेस लाने के लिए, ठीक है, उसको, क्योंकि क्या होता था पहले, क्या होता था जब ब्रिटिश का टाइम था, ठीक है, तो जो अक्यूज होते थे वो ब्रिटिश होते थे, बहुत अत्याचार करते थे, है ना, विक्टिम्स के ऊपर बहुत मारा पीटी करते थे उनके साथ, तो वो कहीं ना कहीं क्योंकि वो ब्रिटिशर्स थे तो जब कोर्ट में जाता था ये मैटर, क्योंकि हमारा जो आईपीसी है, ठीक है, इंडियन पिनल कोड जो है वो कब का है, 1860 का है ना, तो ब्रिटिश के टाइम से बना गया ये कोड, तो जब ऐसा होता था जो एक्यूज होते थे वो कहीं ना कहीं से बच जाते थे, ठीक है, क्योंकि वो क्या थे, मतलब उन्हीं को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं वो जो कोड है वो बनाया गया। लेकिन अब ऐसा सिचुएशन तो नहीं, अब तो हमारी, मतलब हम 75th इंडिपेंडेंस अभी हमने मनाया, तो किस तरह से बहुत साल हो गए हमें, अब क्या है, बदलाव करना चाहिए। तो ये जो कमिटी है मालिमत कमिटी इसीलिए बैठाई गई थी कि किस तरह से जो हमारा ओल्ड, बहुत पुराना ये जो हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो चला आ रहा है, किस तरह से हमें उसमें बदलाव जो है वो लाना चाहिए, ठीक है। मालिमत कमिटी विच इज ऑल्सो नोन एज द एरर्स कमिटी अंडरस्टूड अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कोर्ट सिस्टम। किस तरह से जो हमारा कोर्ट सिस्टम है वो कैसे वर्क कर रहा है उसके बारे में मालिमत कमिटी बता रही है, और उसमें क्या क्या जो चेंजेस हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हमें लाना चाहिए उसके बारे में इस कमिटी में बताया गया था, ठीक है। पर्टिकुलरली ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एरियाज एंड द लॉज डिले, किस तरह से जो केसेस होते हैं वो पेंडिंग रह जाते हैं, और इसीलिए जो जो क्रिमिनल्स होते हैं, ठीक है, अगर मान लो कि कोई क्रिमिनल नहीं है और उसे क्रिमिनल बना दिया गया है, ठीक है, उसका मतलब किसी तरह की तरीके से उसका ट्रायल नहीं हो पा रहे, और वो तो पढ़ नहीं जाएगा जेल में, है ना, और ट्रायल उसका कई साल से नहीं हुआ है, जेल में ही पड़ा है, उसका पता ही नहीं चल पा रहा है क्या वो जो अक्यूज है, ठीक है, वो अक्यूज है भी कि नहीं है, क्या उसने क्राइम किया भी कि नहीं किया है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मालिमत कमिटी रिपोर्ट आई थी, और जिसके वजह से उन्होंने चेंजेस लाए, बदलाव लाने के लिए इस कमिटी को फॉर्म किया था, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या किया, मेड वेरियस यूजफुल रिकमेंडेशन फॉर रिड्यूसिंग द लिटिगेशन एंड मेकिंग जस्टिस रेडिली एक्सेसिबल टू द पीपल एट अ मिनिमम कॉस्ट एंड टाइम एंड मनी, ठीक है। मिनिमम कॉस्ट में किस तरह से स्पीडी जस्टिस दे सकते हैं, ठीक है, लिटिगेशन को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, और किस तरीके से टाइम कम और पैसे कम, और किस तरीके से स्पीडी जो जस्टिस है डिस्पोजल कर सकते हैं हम केसेस का, तो ये इसमें
बताया गया था, इसके कई सारे रिकमेंडेशन है। मालिमन कमिटी अंडरलाइन द नीड फॉर द ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, और उन्होंने ही बताया कि हमें जरूरत है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की। उनकी जो मैकेनिज्म है जैसे कि मीडिएशन, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, लोक अदालत एक्सेट्रा, ये सारे क्या है मैकेनिज्म है, फॉर्म्स है ADR के, ठीक है, एज अ वाइएबल ऑल्टरनेटिव टू द कन्वेंशनल कोर्ट लिटिगेशन। आगे बात समझ रहे हैं, ठीक है। अब ऑल्टरनेटिव मेजर्स फॉर जुडिशियल रिफॉर्म है, ठीक। अब क्या है कि बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है, पहले के जो लॉस थे अगर हम आज आज में देखें तो बहुत सारे आज के जो क्रिमिनल जस्टिस है या फिर जो क्राइम्स है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। लाइफ स्टाइल लोगों की चेंज हो गई है, पहले की लाइफ स्टाइल अलग थी, अब की लाइफ स्टाइल अलग है, तो किस तरह से जो डिसीजन है लोगों को जल्दी मिलना वो उनकी रिक्वायरमेंट है और वो उनका एक तरह से राइट भी है, और हमें उसे डीले नहीं करना चाहिए, हम उसको जितना जल्दी डिस्पोज कर सके, जितना जल्दी उनको जस्टिस प्रोवाइड कर सके उतना ही ज्यादा क्या है उनके लिए भी सही होगा और कोर्ट्स पे भी जो बर्डन है वो भी कम होगा, ठीक है। इसीलिए एज अ पॉसिबल और एज अ प्रॉब्लम ओवर ओवन बर्डन केसेस अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूनल्स जो है वो स्टैब्लिश किए गए थे, लेकिन फिर भी उन ट्रिब्यूनल के स्टैब्लिश करने के बावजूद भी क्या हुआ, जो हमारा मकसद था उनको कि जल्दी जल्दी केसेस जो है वो रिजॉल्व कर सके, फिर भी वो नहीं हो पाया, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने फैमिली कोर्ट्स वगैरह इस्टेब्लिश किए, ह्यूमन राइट्स कमीशन, वुमेन कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड वुमेन, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है, आज भी वुमेन्स है सब्जेक्ट टू किसके हैं, बहुत सारे क्राइम्स के, सेक्सुअल हैरेसमेंट्स के हैं, है ना। द प्रॉब्लम ऑफ डीले इन द कोर्ट स्टिल परसिस्ट, फिर भी हमें डीले जो है वो देखने को मिल ही रहा है, ठीक। तो उन सब को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये कमिटी फॉर्म की थी। पर्टिकुलरली जो सिविल लिटिगेशन है इंडिया में वो बहुत ही ज्यादा पेंडेंसी ऑफ द केसेस को बढ़ा देती है, सिविल लिटिगेशन में बहुत पेंडेंसी ऑफ केसेस जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। केसेस फ्लडेड ओवर द क्या, एडजॉर्नमेंट, रिवीजन, अपील, क्रॉस अपील, ये सारी चीजों में क्या है बहुत ही ज्यादा डीले होता है। ऑन एन एवरेज सिविल लिटिगेशन जो है 5 से लेकर 8 साल तक उनका जो फाइनल डिस्पोजल होता है वो होता है। कैन यू बिलीव इट, 5 to 8 long years एक इंसान को जस्टिस मिलता ही नहीं है, 5 to 8 years लग ही लग जाते हैं उसको जस्टिस मिलने में। तो इस वजह से इस जो कमिटी को लाया गया तो उसका मेन एम और ऑब्जेक्टिव था स्पीडी ट्रायल, ठीक है, कंपल्सरी ट्रांसफर ऑफ द केसेस एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द लोक अदालत, जिससे कि आपका जो केस है वो बहुत ही जल्दी क्या हो जाए, डिस्पोज ऑफ हो जाए और लोगों को स्पीडी जस्टिस मिले, है ना। आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी, क्या इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में और हम इस ADR के सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो सब में सारे टॉपिक्स लेके आपके सामने आऊंगी और हम करेंगे उसे डिस्कस और अच्छे से समझेंगे, ठीक है, विद केसेस आल्सो। अभी क्या है, स्टार्टिंग है, इंट्रो है ये सारा चीज, तो इसमें केसेस नहीं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे केसेस भी आएंगे और मैं आपको लैंडमार्क और इंपॉर्टेंट केसेस भी बताऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।